तो स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और मेरा नाम है अंकित और अभी हम कल ही लखनऊ में शिफ्ट हुए हैं। अब हम भातखंडे से एमपीए करेंगे। संगीत से जो एमए होता है उसी तरह से होता है एमपीए। तो हम कल शाम में शिफ्ट हुए हैं और वैसे हम मोहम्मदी के रहने वाले हैं। और बस आज से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करना फुल और दिखाएंगे। और कल पता क्या हुआ, कल ही शिफ्ट हुए और कल ही मेरा पोपट हो गया हम लोगों का। और ये देखो ये हमारे साहब भाई, क्या यार कल का, कल यार पोपट हो गया हम लोगों का। एक्चुअली क्या था, हम लोग जो रूम लेने वाले थे तो हम लोग सामान लेके आ गए। ये देखिए मेरा सामान रखा हुआ, ठीक है। कल हम लोग जो रूम लेने वाले थे वो रूम मिला ही नहीं। हम लोग सामान लेके आए, वो किसी कारणवश नहीं मिल पाया। भाई साहब इतनी भयंकर टेंशन हो गई। हमने बताया यार सामान लेके आए, हमें होटल वगैरह लेना पड़ेगा। तो क्या हुआ फिर, एक लखनऊ में ही एक मंदिर है, वहाँ पे भजन संध्या होती है। अच्छा सबसे पहली बात, हम जैसे ही लखनऊ आए इतनी अच्छी शुरुआत हुई। बस थोड़ा सा टेंशन हो गई थी, थोड़ा सा वो टाइम ख़राब था भाई, रूम वगैरह नहीं मिल पाया। लेकिन भाई इतनी अच्छी शुरुआत हुई लखनऊ में, भाई अलग ही वाइब्स आ रही थी। क्योंकि हम जैसे ही आए वहाँ से रूम वूम नहीं मिला तो हम लोग फिर चले आए सामान लेके। लेकिन फिर हम लोग मंदिर आ गए क्योंकि एक मंदिर में भजन संध्या होती है। तो वहाँ मेरी जान पहचान थी थोड़ी सी जो भजन करते हैं उनसे। तो क्या हुआ वहाँ पे हम आ गए, भाई साहब आते ही हमें भजन करने मिला। माता रानी, हनुमान जी महाराज, मतलब सबके लिए भजन गाने पड़े, ये भजन सुने और हारमोनियम भी प्ले करी, मतलब सेवा करने का मौका मिला। और बहुत ही अच्छा मंदिर। और हमने भगवान से प्रार्थना भी करी कि बस आप ही के हवाले है, सब कुछ कर देना सही से। और देखिए उन्होंने ही हमें रात में रहने का इंतजाम करवा दिया। ठीक है, क्या होता है कि भगवान से दिल से मांगो तो देते ज़रूर हैं। हम भगवान से, हमने बोल दिया अभी आप ही हैं, आप देखना मुझे कैसे रात बितानी, मैंने नहीं पता। वहीं मंदिर के पास ही जो अतिथि गृह होता है वहाँ पे रूम मिल गया। एक्चुअली क्या, जो यहाँ की राज माता है जो मंदिर पे संभालती हैं, मंदिर को शायद पूजा वगैरह करती हैं वही, तो उन्होंने हमें दे दिया यहाँ पे। देखिए हम यहाँ पे रात में रुके थे और बस यही है, टेंशन तो खत्म। कि हाँ, और हमने भजन वगैरह करे तो कल तो ब्लॉग बन नहीं पाया क्योंकि हम सोच रहे थे कि कल ही हम शुरू करें, लेकिन कल वो पोपट हो गया, इसी चक्कर में फिर बन नहीं पाया, टेंशन के चक्कर में। लेकिन हाँ तो ये है कि लेकिन हल्की सी हमने भजन संध्या की सैफ भाई ने क्लिप बनाई थी, तो वो हम यहाँ पे क्लिप डाल देंगे। ये आपने क्लिप देखी, इसी टाइप से मंदिर बहुत प्यारा है। और बस अब हम लोग उठे, रेडी वगैरह हो गए, देखते ही नहीं आसपास में कहीं रूम हो या सेपरेट घर मिल जाए या फ्लैट वगैरह, तो देखते हैं। ये है हमारे रूम का आगे का व्यू, भाई साहब हरी हरी हरियाली बहुत अच्छी है। और ये सामने मंदिर है जहाँ पे हम लोगों ने भजन किया था। ये अभी मैं आपको, अगर मंदिर का गेट खुल गया होगा तो हम आपके अंदर भी दर्शन करवाएंगे मंदिर के अंदर। व्यू देखो भाई कितना तगड़ा आ रहा है। तो भाई साहब ये मंदिर हमारे पीछे का, और चलते हैं चाय वगैरह पियेंगे थोड़ा सा और देखेंगे आसपास में कहीं फ्लैट वगैरह रूम। एक्चुअली क्या हम चाह रहे हैं कि इसी एरिया में मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ से मेरा भातखंडे बहुत पास में है, लगभग अराउंड 3-4 किलोमीटर है, तो यहाँ से पास में पड़ेगा। और यहाँ पे हर शनिवार को भजन होता है, तो इससे अच्छा क्या ही मौका मिलेगा। हर शनिवार को भजन करने को मिलेगा, दरबार में उनके सेवा करने का मौका मिलेगा, उनके दर्शन मिलेंगे। हालांकि अगर इस एरिया में रहेंगे तो डेली दर्शन करने मिलेंगे, लेकिन भजन संध्या हमें को करने मिल जाएगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलते हैं फिर। तो भाई हम मंदिर आ चुके हैं, पहले हमने राजमाता से परमिशन ले ली, क्योंकि किसी किसी मंदिर में कैमरा वगैरह या फ़ोन वीडियो शूट करना अलाउ नहीं होता है। तो मैंने पहले राजमाता से परमिशन ले ली कि हाँ कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने परमिशन दे दी। तो अब हम आपको मंदिर में दर्शन कराते हैं। ये है मंदिर,
बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर, बहुत ही सुकून मिला यहाँ पे आके। कल हमारे गणपति बप्पा, हर काम की शुरुआत इन्हीं के नाम से होती है। हमारे कान्हा जी, हमारी ज्ञान की देवी माता रानी, माता रानी दुर्गा, बाबा, और यही है राज माता जी जो कि पूजा वगैरह करती। अब इनकी आरती का समय हो चुका है, राज माता जी आरती करने जा रही हैं। दोनों टाइम पूजा, मंदिर की देखभाल करना, बहुत सेवा करती हैं माता जी, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। टाइम हो चुका है रात के, अरे बेटा 10:30, 10:30 बज चुके हैं रात के, और अभी लगभग 1 घंटा पहले आरती करके आए हैं। हमने क्लिप डाल दी, अभी बस आरती करके फिर थोड़ी देर प्रैक्टिस वगैरह, रियाज वगैरह किया, ये हारमोनियम सैप्स हो गया है, और हम ही बचे हैं, थोड़ी देर लाइव आए। और आप, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, नींद बहुत तेज़ लगी है, आँखें बिल्कुल, एक्चुअली क्या है, रूम ढूंढ रहे हैं, ढूंढने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। एक तो हम लोग म्यूज़िक के स्टूडेंट हैं, तो जो लोग म्यूज़िक के हैं वो खुद समझ सकते हैं कि बाहर रूम ढूंढना हम लोगों के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ तो लखनऊ है, तो लेकिन 2-3 देखें, उसमें कल देखते हैं किस में शिफ्ट होना है, तो वहीं पर शिफ्ट होंगे। और आज का ब्लॉग एंड करते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिखाने वाला है नहीं, क्योंकि बाहर इधर उधर घूम रहे थे, सिर्फ घूम ही रहते हैं, और बार बार फ़ोन कर रहे हैं या किसी से पता कर रहे हैं यहाँ कहाँ पे रूम है, यहाँ पे खाली है नहीं खाली है, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। लेकिन हाँ, बनाएंगे डेली, धीरे धीरे आएगा, अच्छा मज़ा आएगा आपको, ठीक है। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, और सब लोग मस्त रहें, मेरा ब्लॉग देखते रहें, अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते हैं, ठीक है। ओके, गुड नाइट, बाय।